आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पेस्टेड सीपीयू इन्होंने निकाला। देखिए वो ब्लैक आपको सामने जो दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर ब्लैक पेस्टेड था, ये देख सकते हैं। तो ये हो चुका है। और जो आपको यहाँ पर बॉल्स निकले हुए दिखाई दे रहे हैं ईएमसी में, दो तीन वो एनसी है, सात बॉल निकले वो एनसी है। तो अभी आपने ईएमसी अपना कवर कर लिया है, तो अब बताइए पहले के में और आपके में क्या अंतर है? आपको बहुत फर्क है सर, जैसे कि हम जो बात करते हैं जस्ट जैसे अपन बात करते हैं, लेकिन यहाँ के यहाँ से जैसे अपन अपने शॉप जाते हैं तो बोलचाल की भाषा में बहुत फर्क है। अपन टेक्निकली बात करते हैं, बिल्कुल टेक्निकली सिग्नल अपन जैसे किसी को पूछे तो वो नहीं मालूम है, लेकिन यहाँ के आपको पता चले ईएन सिग्नल क्या होता है, प्राइमरी लाइन क्या होती है, सेकेंडरी लाइन क्या होती है, शॉर्टिंग को कैसे ट्रेस किया जाता है, कोई लाइन उखड़ गई उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, पूरी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का जो भी नॉलेज था वो मुझे हार्डवेयर में मिल चुका था। मुझे हाथ जमाने के लिए एमएमसी और प्रोग्रामिंग करना था, इसलिए मैंने एमएमसी के लिए यही चुना। यहाँ अगर हार्डवेयर इतना अच्छा है तो एमएमसी भी बहुत अच्छा होगा। तो आप मुझे बताइए कि 9 दिनों में आपका 100 एक्सपीरियंस आपने क्या क्या यहाँ पे सीखा और क्या क्या आप सोच के आते हैं और क्या आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिला? मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीख ली पूरी प्रोग्रामिंग, और नया मोबाइल लेटेस्ट मोबाइल पुराना मोबाइल डेड बूट रिपोर्ट हेल्थ बेड रिपोर्ट जो भी एरर आते हैं एमएमसी में वो सारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद अब आज की कंडीशन में मार्केट में जितने भी नए मोबाइल चल रहे हैं उनको एमएमसी निकाल के भी अनलॉकिंग कर सकते हैं, एफआरपी एमआई अकाउंट निकाल के भी कर सकते हैं, और आईएसपी पिन आउट द्वारा भी कर सकते हैं बिना डेड रिक्स के। जेटेक और यूएफआई दोनों से कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। तो दोनों को बहुत किए भी हैं सर, किए से भी किए भी हैं, ए 3S किया है, 6A किया है। तो कैसा पेशेंट ऐसे कैसे निकालते हैं और सेफली उसको कैसे करते हैं, अगर कोई एमएमसी का पिन उखड़ गया मैंने जो डेटा का कोई पिन ऐसा निकल गया उसको माइक्रो जंपिंग कैसे करते हैं और उसको प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, और प्रोग्राम में बहुत सारा चीज़ है इसमें, बहुत सारा अनलॉकिंग कर सकते हैं, टेस्ट पॉइंट से अगर आईसी डेड हो गया उसको टेस्ट पॉइंट से उसको कैसे हम जिंदा कर सकते हैं। हमारे को यहाँ पर मिली जब हम यहाँ आए थे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के लिए, तो उस टाइम से पहले ही हम आपकी वीडियो देख चुके थे, उसी के द्वारा हम यहाँ पर आए। जब आपने हमारे को कराया एक एक चीज, हमारे को कुछ भी नहीं था, हम 6-7 सालों से काम कर रहे थे, पर जब हम यहाँ आए थे हमारे को लगा कि हम कुछ भी नहीं जानते, हमारे कुछ भी नहीं आते, तो यहाँ सीखे हमारे को बहुत अच्छा लगा। जो हमारे को आउटपुट चाहिए था सर वो हमारे को मिला, तो हमने सोचा कि नहीं दोबारा हम ये एमएमसी करने जाएंगे तो हम इधर ही जाएंगे। और जो हम यहाँ पर आके देखा सर, हमारे को आईसी रिवॉल्विंग वगैरह जो एमएमसी है सब कुछ हम यहाँ पे सर ने अच्छे से सिखाया। तो मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया का नंबर इंस्टीट्यूट कौन है? तो दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एसर टेलीकॉम आपका चैनल, मैं हूँ देवरत्न अग्रवाल और ये है मेरे ईएमएमसी बैच। सो दोस्तों ये है मेरा 15 सितंबर का बैच और हमारे साथ है मिलन सर। मिलन सर आपके स्टूडेंट के साथ इंट्रोड्यूस कराएंगे कौन है कहाँ से है, और हम पूछेंगे कि इनके जो आज 9वां दिन है और कल 10वां दिन अगर फेयरवेल है, सो पूछेंगे कि पूरा कोर्स हो जाने के बाद क्या इनका रहा आउटपुट, क्या इन्होंने वाकई में यहाँ एसर टेलीकॉम आके कुछ सीखा है कि भी नहीं सीखा है, जो वीडियो में वो लोग बोलते हैं और जो यहाँ पे आपको दिखाई देता है क्या है रियल आउटपुट। तो आते हैं मिलन सर के पास, सबसे पहले जाते हैं कि स्टूडेंट के पास। सर हमारे पास एक स्टूडेंट है, इनका नाम है शिवराज। मेरा नाम शिवराज है सर, मैं मध्य प्रदेश एमपी से हूँ। शिवराज आपने तो हमारे यहाँ से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का भी क्लास हार्डवेयर का क्लास किया हुआ ऑलरेडी, सो आपने ईएमसी एसर टेलीकॉम को ही क्यों चुना हार्डवेयर करने के बाद? आप चाहते तो हार्डवेयर करने के बाद आपको साथ पता भी चल जाता कि क्या आउटपुट है, तो क्या आपने क्या राय थी आपकी यहाँ पर? मैंने हार्डवेयर किया उसके बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, हार्डवेयर में जो जो भी मेरे कंफ्यूजन थे ट्रेसिंग से लेकर ट्रेसिंग का था जो कम सारे सीरीज पेलर, और उसके बाद आईसी का नॉलेज कौन सी आईसी में क्या वर्क रहता है, आईसीयू के नाम, पूरी बेसिक से लेकर हाई लेवल तक का जो भी नॉलेज था वो मुझे हार्डवेयर में मिल चुका था। मुझे हाथ जमाने के लिए एमएमसी और प्रोग्रामिंग करना था, इसलिए मैंने एमएमसी के लिए यही चुना। यहाँ अगर हार्डवेयर इतना अच्छा है तो एमएमसी भी बहुत अच्छा होगा। तो आप मुझे बताइए कि 9 दिनों में आपका 100 एक्सपीरियंस आपने क्या क्या यहाँ पे सीखा और क्या क्या आप सोच के आते हैं और क्या आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा मिला? मैंने यहाँ पे प्रोग्रामिंग सीख ली पूरी प्रोग्रामिंग, और नया मोबाइल लेटेस्ट मोबाइल पुराना मोबाइल डेड बूट रिपोर्ट हेल्थ बेड रिपोर्ट जो भी एरर आते हैं एमएमसी में वो सारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद अब आज की कंडीशन मार्केट में जितने भी नए मोबाइल चल रहे हैं उनको एमएमसी निकाल के भी अनलॉकिंग कर सकते हैं, एफआरपी एमआई अकाउंट निकाल के भी कर सकते हैं, आईएसपी पिन आउट द्वारा भी कर सकते हैं बिना डेड रिक्स के। जेटेक और यूएफआई दोनों से कर सकते हैं, दोनों से कर सकते हैं। तो दोनों को किए भी हैं सर, किए से भी किए भी हैं, ए 3S किया है, 6A किया है।
तो आपका मतलब यहाँ पर कैसा रहा, मतलब एक आउटपुट सेटिस्फाइड है आप यहाँ पर? बिल्कुल सेटिस्फाइड हूँ। चलिए ठीक है, 100%। आज आप क्या दिखाएंगे आज यहाँ पर, आज आप प्रैक्टिकल में क्या दिखाएंगे? मिलन सर, ये डेड कंडीशन में है, मतलब तो इसको हम सॉफ्टवेयर से रिकवर करेंगे। रिकवर मतलब वही ईएमएमसी से प्रोग्रामिंग करके, ईएमएमसी खोल के यूएफआई से प्रोग्राम करके इसको ऑन करके बताएंगे। चलिए ठीक है, थैंक यू। सो हमारे साथ में एक और स्टूडेंट है यहाँ पर, आपका नाम क्या है? नमस्कार सतीश, मेरा नाम सतीश है, कर्नाटका से। सतीश आप कर्नाटका से, आप ये बताइए कि 9 दिन में आपने मिलन सर की क्लास में क्या क्या सीखा यहाँ पर? सर जो ईएमसी से क्लास होता है ये हार्डवेयर प्लस सॉफ्टवेयर का होता है। इसमें हम पहले तो हमारे को हार्डवेयर का जो भी नॉलेज था, तो हमारा बेसिक से हमारे को जो हार्डवेयर क्लास था ना वहाँ से मिल गया, लेकिन उसके ऊपर जो आईसी के ऊपर जो काम करते हैं उस वो हम इधर आके आईसी के कैसा पेसेड ऐसी कैसा निकालते हैं और सेफली उसको कैसा करते हैं। अगर कोई ईएमएमसी का पिन उखड़ गया, मैंने जो डेटा का कोई पिन ऐसा निकल गया, उसको माइक्रो जंपिंग कैसे करते हैं और उसको प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, और प्रोग्राम में बहुत सारा चीज़ है, इसमें बहुत सारा अनलॉकिंग कर सकते हैं। टेस्ट पॉइंट से अगर आईसी डेड हो गया, उसको टेस्ट पॉइंट से उसको कैसे हम जिंदा कर सकते हैं, ये बहुत सारा चीज़ है। ऐसा हमने ये यहाँ आके एक्सपीरियंस किया है। तो ये सारी चीज़ें आप घर बैठ के ऑनलाइन भी सीख सकते थे, क्यों सी आपने सोचा कि इतनी दूर कर्नाटका से मैं यहाँ पर आऊँ और एक महीना अपना शॉप अपना क्लोज करके यहाँ पर सीखूँ, ऐसा डिसीजन क्यों लिया आपने? सर देखिए, ऑनलाइन ऐसा होता है कि आपको ऑनलाइन में आपको प्रैक्टिकल नहीं मिलता है, सिर्फ बता दिया जाता है, वो भी जितना वो बताते हैं वो पूरा कारीगर होता है, या हम उसके जो हम उसके बताने के ऊपर क्या हम प्रैक्टिकल करते हैं वो सक्सेस होता है कि नहीं, वो लाइव में दिखाई नहीं देता है। तो हम जब प्रैक्टिकली हम सामने आके जब कोई इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, अगर वो फॉल्ट आता है उसके, अगर वो फॉल्ट में नहीं बनता है, आगे वाला क्या फॉल्ट रहता है उसको हम ट्रेस आउट कर सकते हैं, ये वाला चीज सिर्फ आपको लाइव में प्रैक्टिकल में ही होगा। और आपने हार्डवेयर की भी क्लास अटेंड की थी, तो उसका कैसा आउटपुट था आपके लिए? सर हार्डवेयर प्लस तो बहुत ही बढ़िया था, क्योंकि एक एक चीज भी उसमें हमको कहाँ से कहाँ ट्रैकिंग करना है, ट्रेसिंग करना है, कंपोनेंट्स क्या, अगर पैरेलल सीरीज में जो भी अगर एक प्रॉब्लम आता है तो वो पहले तो हमको एक प्रॉब्लम है तो उसमें पैरेलल या सीरीज में उसमें कैसे ट्रेस इट कर सकते, ये बहुत बढ़िया जानकारी मिल जाता है हमको। और आखिरी में पूछूंगा तो मिलन सर का जो आउटपुट कैसा है, मिलन सर का पढ़ाने का तरीका बढ़िया है? हमको तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है सर, बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था, जो भी हमने आज तक जो भी सीखा एक एक चीज भी उन्होंने बहुत बारीकी से बहुत अच्छी तरह से हमको समझाया है, उसके बारे में हमको डाउट नहीं आता है, कोई एक एक हमको डाउट आता है तो 2-3 बार उसको करवाते हैं तो उनको माइंड में पूरा सेट करते हैं, सेट हो जाता है यहाँ पर। चलिए ठीक है, थैंक यू। यहाँ पे मिलन आपके और एक स्टूडेंट है जो हमारा पुराना स्टूडेंट है हार्डवेयर सॉफ्टवेयर के, और ये इनका नाम है वीरेन। वीरेन आप कहाँ से हैं? हिमाचल प्रदेश से। आपने हमसे कब हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की क्लास ली थी? सर मैं 28 फरवरी इसी साल, मतलब इसी साल के फरवरी से, मतलब आपने पिछले इस साल के स्टार्टिंग के सेकेंड मंथ में ली थी, और आपने फिर वापस यही इंस्टीट्यूट आ गए, आप फिर उसके बाद कहीं और नहीं गए, इसका रीजन क्या हो सकता है? सर जो नॉलेज हमारे को यहाँ पर मिली जब हम यहाँ आए थे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हार्डवेयर के लिए, तो उस टाइम से पहले ही हम आपकी वीडियो देख चुके थे, उसी के द्वारा हम यहाँ पर आए। जब आपने हमारे को कराया एक एक चीज़, हमारे को कुछ भी नहीं था, हम 6-7 सालों से काम कर रहे थे, पर जब हम यहाँ आए थे हमारे को लगा कि हम कुछ भी नहीं जानते, हमारे कुछ भी नहीं आते, तो यहाँ सीखे हमारे को बहुत अच्छा लगा, जो हमारे को आउटपुट चाहिए था सर वो हमारे को मिला, तो हमने सोचा कि नहीं दोबारा हम ये एमएमसी करने जाएंगे तो हम इधर ही जाएंगे। और जो हम यहाँ पर आके देखा सर, हमारे को आईसी रिबॉलिंग वगैरह जो एमएमसी है सब कुछ हम यहाँ पे सर ने अच्छे से सिखाया, अच्छे से सिखाया आपको, तो यही मैं चाहता हूँ कि आगे आप मेहनत करें और अच्छा करें। मिलन सर का कैसा पढ़ाते हैं आपको? सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, किसी भी चीज़ पे अगर हमारे को डाउट होता है सर, हमारे को 2-3-4 बार जितने बार पूछे हमारे को बार बार बता दे, किसी भी कोई भी डाउट रहने नहीं देते सर हमारे। अभी आपने क्या किया था, अभी का काम बताइए, लेटेस्ट में आपने एक पेस्टेड आईसी निकाली थी, जरा दिखाइए सेट, जरा वहाँ पे दिखाइए। ये सर हम ये पेस्टेड आईसी निकाली थी, इसमें ब्लैक पेस्टेड यहाँ पे सामने रखो, जरा हम यहाँ पे दिखाते हैं कैमरे पे, एक मिनट हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने पेस्टेड सीपीयू इन्होंने निकाला, देखिए वो ब्लैक आपको सामने जो दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पर ब्लैक पेस्टेड था ये देख सकते हैं, तो ये और जो आपको यहाँ पर बॉल्स निकले हुए दिखाई दे रहे हैं ईएमसी में 2-3 वो एनसी है, 7 बॉल निकले वो एनसी है, वो हमारा कोई काम की नहीं है। तो और ये अभी आईसी को क्लीन कर रहे हैं यहाँ पर, जो ये आईसी ऊपर से दिखाओ जा रहा है यहाँ पर,
तो आईसी को मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए आईसी को क्लीन कर रहे हैं ये, और ये एमएमसी है, क्लीन करेंगे जो ब्लैक पेस्टेड है पूरा। तो ये आपने पेस्टेड आईसी निकालना लगाना यहीं पे सीखा आपने? सीखा सर, हमारे को तो रिवॉल्विंग भी नहीं आती। अभी कैसा लगता है? अभी बहुत अच्छा लग रहा है सर, अब तो हम इससे और अच्छा काम कर सकते हैं। और काम कर सकते हैं, चलो ठीक है, थैंक यू। तो हमारे साथ एक और स्टूडेंट है मिलन, तो अब बैठ जाओ। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुमेंद्र चंद्रवंशी, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। सुमेंद्र, आप छत्तीसगढ़, आप तो हमारे हार्डवेयर सॉफ्टवेयर स्टूडेंट हैं ऑलरेडी, क्योंकि जो हमको फॉलो कर रहे हैं वो तो आपको देखा होगा उन्होंने किसी न किसी वीडियो में। तो आपने फिर यहाँ पर वापस आप आए क्योंकि आप चले गए थे कुछ किसी कारण से, आपके प्रॉब्लम की वजह से। तो अभी आपने ईएमसी अपना कवर कर लिया है, तो अब बताइए पहले के में और आपके में क्या अंतर है? बहुत फर्क है सर, जैसे कि हम जो बात करते हैं एडजस्ट, जैसे अपन बात करते हैं, लेकिन यहाँ के, यहाँ से जैसे अपन अपने शॉप जाते हैं तो बोल चाल की भाषा में बहुत फर्क है। अपन टेक्निकली बात करते हैं, बिल्कुल टेक्निकली सिग्नल, अपन जैसे किसी को पूछे तो वो नहीं मालूम हो, लेकिन यहाँ आके आपको पता चले ईएन सिग्नल क्या होता है, प्राइमरी लाइन क्या होती है, सेकेंडरी लाइन क्या होती है, शॉर्टिंग को कैसे ट्रेस किया जाता है, कोई लाइन उखड़ गई उसको कैसे रिपेयर किया जाता है, ये सब सारी चीजें आपको यहीं आके ही सीखनी है। आज भी बहुत सारे टेक्नीशियन ये काम कर रहे हैं उसके बाद भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं, उनको पता ही नहीं होता कंपोनेंट्स की जानकारी, फिर भी वो सिर्फ कर लेते हैं क्योंकि वो सिर्फ एक अंदाजा, अंदाजा, वेरी गुड, अंदाजा से कर नहीं कर सकते क्योंकि आप यहाँ कोई जादू करने नहीं बैठे हो। सही है, आप रिपेयरिंग करने बैठे, आपको एक्यूरेट रीडिंग, एक्यूरेट वोल्टेज, सब चीज की जानकारी होनी चाहिए। तो ईएमसी की बात करूँ तो जेटेक और यूएफआई में अब आपको जैसे ओप्पो का अकाउंट खोलना है या फिर बिना डाटा के, या तो फिर हम प्रोग्रामिंग की बात करें तो, या किसी आईसी को चेंज कर तो सारी चीजें आपको हो जाएंगी, मतलब दोनों आप कर सकते हैं। यहाँ पे आपने प्रैक्टिकली अटेंड किया? पहले जो होता था, मैं जैसे कोई बोर्ड को देखता था पेस्टेड आईसी, उसको तुरंत पैक करके मैं वापस कर देता, रिस्क नहीं लेते थे आप? हाँ, मतलब मतलब बोर्ड फुल गया क्या हो गया, लेकिन अब सर व्हाइट ब्लैक ब्लू जो भी पेस्टेड आया सब निकाल के आप उसको। यहाँ पर आपने क्या क्या काम किया, जैसे कुछ एक दो काम बताएंगे आप यहाँ पर? सर वो एमएमसी वाले दो सेट बनाए और लाइट बनाए और डेड सेट थे दो तीन, अभी ये मॉडल याद नहीं है, वो बनाया आपने यहाँ पर। मिलन सर कैसा बढ़ाया आपको? बहुत अच्छा सर, एक दोस्त के जैसे, एक भाई के जैसे रखते हैं, जैसे समझ नहीं आता आप 10 बार पूछो आपको 10 बार बताएंगे। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। तो मिलन सर बताइए आप। तो अब हम आज आपको बताने वाले हैं, देखते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि यहाँ पे आप ये मोबाइल डेड है या नहीं है ये दिखाता हूँ मैं सबसे पहले। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बैटरी में वोल्टेज है या नहीं है। तो यहाँ पे आइए थोड़ा दिखाइए, मैं बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव में दिखा लगाता हूँ और देखते हैं कि बैटरी में वोल्टेज है या नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं 3.97 वोल्टेज है, फिर भी मेरा पावर की कनेक्टेड है और ये जो है ना यहाँ पे मैं इसको लगा रहा हूँ और इसको जब भी पावर की दबा रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं पावर की प्रेस कर रहा हूँ फिर भी चालू नहीं हो रहा है। दोस्तों ये मोबाइल हमारे पास आया है, किसी ने सॉफ्टवेयर किया है, उसके बाद सॉफ्टवेयर में हाथ में ब्रेक हुआ है, उसके बाद डेड हुआ है। हम अब इसको जो है ना एमएमसी प्रोग्रामिंग करके जो ऑफलाइन हम प्लासिंग करेंगे, इसको ऑफलाइन जो ऑन सिक्स से ऑनलाइन होता है, इसको ऑफलाइन में प्लासिंग हम हमारे स्टूडेंट करेंगे और करके दिखाएंगे आपको कैसे होता है। तो सबसे पहले दोस्तों एमआई का मैं बता दूं, एक खूबी होता है कि इसमें ना पेस्टेड कभी भी नहीं आता है। अभी लेटेस्ट मोबाइल में जनरली आ रहा है एक दो मॉडलों में, तो अभी जितने भी मोबाइल है एमआई के उसमें पेस्टेड नहीं आता है। तो हम सबसे पहले इसको खोलते हैं, खोलो आईसी को सबसे पहले खोलेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिए, तो अब सबसे पहले आईसी को खोलेंगे। ये देख लीजिए, तो अब माइक्रोस्कोप में दिखा देते हैं इनको। अभी देख सकते हैं हम इसको खोल के, आप जो मीडिया टेक का सेट है इनकी 6 से होता है, तो इसको खोल। सबसे पहले दोस्तों हम एक काम करते हैं कि सीपीयू को थोड़ा सेफ्टी कर लेते हैं, ठीक है। हम दोस्तों 6A का जो होता है ऑफलाइन क्लासिंग कैसे होता है वो बताएंगे आप।
ठीक, अब माइक्रोस्कोप में आप थोड़ा दिखाएंगे, ठीक है, इस तरह खोलिए, अब वहाँ पे दिख जाएगा। देख सकते हैं ये MMC खोल चुके हैं, ठीक है, अब इस IC को अब हम रिबोल करेंगे, तो बहुत अच्छे से IC निकाला है, अब रिबोल करो।
गम आईसी को यूएफआई में लगाएंगे। आइडेंटिफाई करके दिखा देते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इसको ओके करो तो यहाँ पे दिखा रहा है Redmi 6 से का सब कुछ ओके है, लेकिन दोस्तों इसमें क्या है चालू अभी भी नहीं हो रहा है। तो हम इसमें इस USB का मदद लेंगे। आप देख सकते हैं ये वाला USB का, क्योंकि इसमें फास्ट होता है इसमें लेट होता है, ठीक है। ये वाला USB को मदद लेंगे, जैसे हम ये वाला USB यहाँ लगाएंगे और ये हम यूज करेंगे डायरेक्ट PC में। तो ठीक है, अब हम कहाँ जाएंगे, जैसे हमारे पास हम यहाँ पे थोड़ा वीडियो को पोज करते हैं, पोज कर दो थोड़ा वीडियो को। दोस्तों आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे हम इससे इस जगह से हमने यहाँ पे देख सकते हैं इस एडप्टर से हमने फ्लैशिंग किए हैं IC को, ठीक है। अब ये IC को हम सीधे लगाने जा रहे हैं PCB में, ठीक है। तो ये जो IC हम यहाँ से निकाल रहे हैं ये देख सकते हैं Redmi 6 से एक्टर से, ठीक है। हम ये IC यहाँ से निकालते हैं और IC को लगाएंगे हम, ठीक है। ये IC को लगाओ, अभी देर अभी दे रहे हो क्या? हीट ही नहीं क्या? जो भी
आराम से अब देखते हैं हमारा फोन चालू हुआ है कि नहीं हुआ। दोस्तों देख सकते हैं हमारा फोन अभी बिल्कुल चालू हो सके, इनके लिए एक ताली हो जाए। देख सकते हैं जो मोबाइल डेट था, हमने इसको MMC को प्रोग्रामिंग किया UEFI की मदद से और USB का मदद लिया तो हम जल्दी से जल्दी कर पाए इसीलिए। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं MI 6 है, ठीक है, और ये चालू हो चुका है पूरा। ठीक है, अब देख सकते हैं हमारा स्टूडेंट ने खुद ने प्रोग्रामिंग किया और खुद ने लगाया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपने जैसे देखा कि किस तरीके से यहाँ पर हमने प्रैक्टिकली आपको लाइव में दिखाया कि यहाँ पर एक डेड मोबाइल था जो कि आया था, डायग्नोस किया सबसे पहले उसको कि उसमें EMC का किस तरह से फॉल्ट आता है। सो आप यहाँ EMC अगर जॉब अगर आप अटेंड करते तो आपको डायग्नोस्टिक बताया जाएगी कि क्या EMC का फॉल्ट है कि नहीं है, और फिर उसके बाद में JTA को UEFI, तो आप कोई सा भी टूल जिसमें आप अटेंड कर सकते हैं यहाँ पर। और दोस्तों क्या है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन का मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। आपको लगता होगा कि ऑनलाइन में कम पैसे में जाकर हम सीख सकते हैं, बट पूरा तरीके से क्या पता वो आपको बता रहे हैं कि नहीं बता रहे हैं, हर बार आपको वो चीज बताई जा रही है, क्या पता वो चीज छुपा कर आपको सपोर्ट सिस्टम से लेकर आपको पैसे लिए जा रहे हो कि हम आपको हर महीने सपोर्ट करेंगे, आप हमको 1,000 रुपए 2,000 रुपए दो, और ऐसा कुछ भी नहीं होता है इंस्टीट्यूशन में जो हम ऑफलाइन सिखाते हैं। क्योंकि यहाँ पे हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, यहाँ आप हम जो स्टूडेंट उनसे टीम व्यूवर से भी जुड़ते हैं, कभी भी वो हमको पूछते हैं तो हम उनको सपोर्ट करते हैं, और सपोर्ट सिस्टम तो एक ऐसा सिस्टम है कि हम उनको इस तरीके से सपोर्ट हमने किया है कि वो खुद से अपडेट हो सके जितना ज्यादातर हो सके, जैसे हम लोग अपडेट होते हैं, एक टीचर कैसे अपडेट होता है वैसे ही अपडेट स्टूडेंट हो सके, तो ये हमने बताया है। सो अभी 3 डॉट में मोबाइल है, ये चीज हमें ऑनलाइन जो हम सीखते हैं वहां नहीं सिखाते, ये चीज हम यहाँ आए तो खुद से किया, खुद का प्रैक्टिकल है, यहाँ खुद सर ने बता दिया कि इसमें ऐसे ऐसे कर सकते हैं, उन्होंने पहले पूरा सिखाया उसके बाद हमने खुद से कर लिया यहाँ पे, ये चीज ऑनलाइन में थोड़ी करवाते हैं, वहाँ कौन होता करवाने वाला ऑनलाइन, अगर उसको पैसे देकर अगर अपन करवाते सीखते कुछ भी तो MMC का कोर्स। और ऑनलाइन में भी एक चीज बता दो, बहुत से लोग बोलते हैं सर दुकान में जाकर सीख लेना सही रहता है, दुकान में आपने जो मोबाइल उस समय आए हैं वो सिर्फ उस पर आपको प्रैक्टिकली सिखा देते हैं, पर बहुत सारे जो फॉल्ट अलग अलग एरर्स हर तरह का आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं वो लोग। सो ये है, मैं किसी को नहीं बुरा बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ अपना एक फैक्ट बता रहा हूँ, बाकी आप समझदार हैं, आपको जहां लगे आप वहां जाइएगा, आपको यहां लगता है आप यहां आइएगा, आपको कहीं और भी लगता है वहां जाइएगा। सो हम किसी को बुरा भला नहीं बोल रहे हैं, और ना ही हम ये कह रहे हैं कि हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं, हम ना ही ये कह रहे हैं कि हम दुनिया में सबसे अच्छे हैं, बस हमारे स्टूडेंट जानते हैं हमारी क्या कदर है, और आप यहाँ आएंगे तो एक दिन में आपको पता चल जाएगा क्या आप इंडिया में है नंबर वन की नहीं है, हमें बताने की जरूरत नहीं है, कोई रेस नहीं है, ये कोई जंग नहीं है कि हमें इंडिया का या हमने नहीं सरकार ने हमें टैग नहीं दिया है, ये टैग हमने अपने आप को दिया है और हम प्रूफ करते हैं अपने स्टूडेंट के सामने, यहाँ पर प्रूफ करते हैं स्टूडेंट के सामने कि हम हैं कि नहीं है, और आप आएंगे एक दिन को आप हमें देंगे, क्योंकि एडवांस फीस आपसे बिल्कुल भी नहीं लेंगे यहाँ पर,
और क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट से एडवांस फीस लेके ये फोन चालू हो चुका है, अब इसको आगे बढ़ा लेंगे अपन। चलो इसको फोकस करो। अब हम ये पे देख लेंगे कि आईएमई का मसला आता है कि नहीं आता है। आएगा क्या कभी आईएमई का मसला? नहीं आएगा। तो एमआई के फोन में यहाँ पे थोड़ा टाइम लेता है दोस्तों। ये जो फाइनली सेटअप हो चुका ये जो होता है थोड़ा टाइम लेता है। हमने सिक से आपको दिखाया कि कैसे सिक से को प्रोग्रामिंग कर सकते हैं दोस्तों। हमने यहाँ पे प्रोग्रामिंग की चीज कुछ चीज हमने स्किप किए है क्योंकि हम अगर आपको सब दिखा दे तो आप भले ही समझ लेंगे, सिर्फ सिक से के ऊपर कर पाएंगे, दूसरे हैंडसेट में नहीं कर पाएंगे। जैसे आपके पास आ गया अगर सेवन प्रो नोट 5 प्रो कुछ अलग से आएगा उस पर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम नहीं दिखाते हैं कि सिर्फ इसी का ही दिखाए। तो आपको अगर प्रॉपर नॉलेज लेना है तो आपको यहाँ मध्य प्रदेश जबलपुर आना होगा दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, हमारे हर महीने का 5 और 15 तारीख का बैच लगता है। अभी हमारा 15 अक्टूबर का बैच फुल है। आपको अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं, आप आना चाहते हैं तो 5 अक्टूबर का बैच आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सेट हमारा पूरा चालू हो चुका है। यहाँ पे थोड़ा सा आईएमई चेक कर लेते हैं कि आईएमई है या नहीं है। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे आईएमई पूरा बिल्कुल ओके है। ठीक है, थैंक यू। एक बार ताली बजा दो इन्होंने। परफॉर्म करना बहुत एक बड़ी बात होती है। कैसा लगा आपको यहाँ? तो भी मेरे को 6 साल 7 साल का एक्सपीरियंस है। तो अब भी यहाँ पे आके ऐसा लगा कि वो सारा 6 साल का एक्सपीरियंस जीरो है। जीरो है, तो मतलब वही सारी चीज जब आपने यहाँ पे सीखी, तो आप अगर यही चीज 6 साल पहले सीख लेते तो क्या होता? बहुत कुछ हो जाता है सर यहाँ पर, मतलब कुछ अलग लेवल में बैठे रहते थे। अलग लेवल में बैठे रहते हैं कि आप लंदन से यहाँ कैसे डायरेक्ट इंडिया में, वो भी जबलपुर में बताइए। मेरे को वहाँ पे कोई इतना 1 महीने में कोई मिलना है, मेरे को 1.5 महीने का छुट्टी है, तो ये वही सब आप बाबा चले जाएगा, चले जाएगा। तो फिर मेरे को 1 महीने के अंदर आप कोई नहीं सिखाने वाला है, तो यहाँ एशिया टेलीकॉम सिखा रहा है। मतलब ऐसा तो नहीं कि हम आपको पैसे दे रहे हो? नहीं सर, पैसे वाली बात नहीं है, मेरी भी दुकानदारी होगी सर। 10 साल हो गए मेरे को भी, अब जब कहीं मेरे पास कुछ भी नहीं आता था बनाना, लाइट सेक्शन चार्जिंग सेक्शन मैं देखते ही रहता था, वैसे ही अपना काम दूसरे मोबाइल वालों के पास लेके जाता था काम कराने के लिए, वहाँ पे भी टाइम लगता था। आप दूसरे की दुकान पे टाइम लगाने के अच्छे आप यहाँ भी आके टाइम 1 महीना आप लगाओगे तो आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाओ। सर जैसा सोचा था उससे भी बढ़कर मिला यहाँ पर आने पर, बहुत अच्छा अच्छा सिखाया गया है यहाँ पर, जो वीडियो देखते थे उससे भी अच्छा सिखाया गया है। तो ऐसा तो नहीं कि आपने जो रिव्यू देखा वो फेक हो? नहीं नहीं, ये तो नहीं। दोस्तों मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता क्या मचा दे। तो इंडिया अनुभव इंस्टीट्यूट कौन है? थैंक यू वेरी मच। बच्चों लोग से आप जब सवाल करते थे और जब वो बोलते थे तो ऐसा फील होता था कि वो दिल से बोल रहे हैं, ना कि फेक। वो ऐसा हो जाता है सर कि बच्चे लोग को देख के लग जाता है कि हाँ ये जेन्युइन है, जो भी लोग आउटपुट है जो भी बोल रहे हो वो दिल से है। तो वो सर टच हुआ सर, मतलब कि सीधी सी बात है, एक छोटी सी बात कहूंगा कि सर पीसीबी जो होती है ना, हमारे मदरबोर्ड जो होता है मोबाइल का, उसको देखने का नजरिया चेंज है। हाँ बिल्कुल सीरियसली, इसको अब वो चीजें नहीं रही कि मतलब कि ऐसे
बाय लक चल गया तो चल गया ना, वो चीज नहीं है। कंफर्म हम काम कर सकते हैं और जो फॉल्ट आएगा पर्टिकुलर सेक्शन पे वर्क कर सकते हैं। बिल्कुल पर्टिकुलर सेक्शन पे है। पहले तो ऐसे मतलब सेक्शन कोई सेक्शन में प्रॉब्लम है और ढूंढ के ही रहे हैं, सही बात पता नहीं चलता। मतलब हमारे पास कोई डेड मोबाइल आया तो हम यही सोचते थे कि क्या करें, कहां से शुरू करें। तरीका नहीं पता सर, वे नहीं पता था, अब रास्ता पता चल गया कि प्रॉपर वे क्या है। अभी किसी ने भी मतलब कि अगर अपना सॉरी मिरेकल वगैरह में जितने भी क्रेडिट चाहिए या उसको अपडेशन करानी है वो मेरे से भी करवा सकता है और हमें तो सर्वर भी मिल गया। तो फेसबुक भी आया था जो सर्किट बना था, अच्छा मोबाइल बना के लिए टेक्नीशियन लोग, तो वो अपने रिक्वेस्ट भेजते थे कि यार कुछ तो हमको भी सपोर्ट कर दे, तो ऐसा लगता है हम सपोर्ट करेंगे उनको। आपने इवन नेपाल के स्टूडेंट के रिव्यू देखे होंगे, तो मैं यहाँ पे गए तो दो तीन स्टूडेंट थे उनसे बात भी किया मैंने, कैसा है क्या है नॉलेज लिया मैंने, हाँ वो बोलते थे अच्छा है, हाँ जाओ तो सब कुछ बना मर गए। तो लगता था एक हिसाब से हाँ वीडियो देख के नॉलेज ले। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? पहले के और अब के में कितना अंतर है? बहुत फर्क है सर, बहुत फर्क है। अभी डेट सेट कौन सा आया तो सर रिपेयर करो, तो रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस, रिपेयर कर सकते हैं बिल्कुल, वो आ गया कॉन्फिडेंस। इसमें और ये भी है कि बिना कोई पैड निकाले बिना कुछ किए हम उसको निकाल के आईसी को रिवॉल्व करके चेंज करके भी कर सकते हैं, फॉल्ट फाइंडिंग भी कर सकते हैं। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। क्या कर रहे हैं अभी आप? सर इसका ईएमएमसी और सीपीयू निकाल करके दोबारा लगा और मेरे को अच्छा लगा कि आया पर रिजल्ट मिल रहा है लोगों का, हर फीडबैक वीडियो में फॉलो करता था, हर चीज में लिखता था। उसके बाद सर मैं यहाँ पर आया, मेरे को पता लगा जो इंस्ट्रूमेंट 6 महीने 7 महीने साल में नहीं सिखा पाते वो यहाँ 2 दिन की डेमो क्लास में मैंने सीख लिया। चैनल फॉलो कर रहे मतलब हम बोले सर हमें पैसे नहीं दिए हैं, बोले मेरा दिल बोल रहा है मतलब हाँ, क्योंकि हम भी बहुत ज्यादा अटक चुके हैं, मतलब सभी भी बोले हाँ हमें बोलना है कहेंगे मुझे बोलना नहीं, जो हम बोल रहे हैं हम खुद का बोल रहे, कोई हमें प्रेशर नहीं है कि नहीं तुम्हें बोलना नहीं है, बोलना नहीं बोलेंगे तो नहीं बोलेंगे बोलेंगे, मतलब हमें ऐसा फील हमें लगा हम कोई भी काम कर सकते हैं। तो मैंने फिर सोचा कि कोई अच्छा रहा है उस चुना जाए, तो मैंने फिर रेडियो नेपाल वहाँ पे आया तो फिर टेलीकॉम को चुना। तो आप सेटिस्फाई हैं सर? 100% सेटिस्फाइड है, अब यहाँ से जाकर सर मैं बिल्कुल काम कर सकता हूँ और हर फाइल को फॉलो कर सकता हूँ सर। अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एक अच्छा सा स्वाद डाल सकता हूँ, उसमें मैं अपना जीवन व्यतीत कर सकता हूँ, आगे चल के मेरा हो सकता तो मैं अच्छा सा एक स्कूल बुक कर सकता हूँ, लेकिन सबसे पहले अभी उसका काम की व्यवस्था भी मैं हर एक फाइल को फॉलो कर सकता। यहाँ पे आने के बाद वो इतना कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं कि मतलब कुछ है, हाँ कुछ कर सकते हैं अपन। हमारा भी पहला दिन था सर, हमने भी पूछा था, तो हमको भी लगा यार, तो हमको भी घुस नहीं सब लगी इसके अंदर। हाँ एक बार जैसे आप क्लास में हो गए आपको लग जाएगा जितना काम किया है वो कुछ नहीं था। और देखो मैंने अच्छा ये सर सुना, ये सर ये सारी चीज आपने फिर सुनी कल? हाँ सर, जो कल नए बच्चे जो आए थे। नहीं, नहीं, अच्छा मेरे को यहाँ पे सबसे बढ़िया ये लगा सर कि पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, स्टूडेंट के साथ में मतलब ना पेन कॉपी कुछ नहीं है, ओनली फॉर प्रैक्टिकल है सारे। सर मैं काफी दिन से आपकी वीडियो देख रहा था और मैंने देखा कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और मैंने और भी स्टूडेंट का रिव्यू लिया और मैंने यहाँ पर आकर सबसे पहले और सभी जो स्टूडेंट थे बाकी बैच के उनसे भी बात आपके बारे में पूछा, तो उन्होंने सभी ने बोला कि हाँ यहाँ पर बहुत बेस्ट सिखाते हैं। उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आने के लिए तैयार भी हो गया और आया और मैंने देखा कि जो मैंने सोचा था उससे मुझे ज्यादा ही मिला। वो तो पहले तो हम लोग मोबाइल का मैकेनिक बोलता था, मैकेनिक जो डिस्प्ले निकालने वाला वो चार्जर कनेक्टर निकालने वाला वो मैकेनिक नहीं होता है, जिसका वो अंदर का ट्रैक उसका सप्लाई ट्रेसिंग उसका कंपोनेंट के बारे में पता होना चाहिए, वो जो इधर आके सीखा जो इधर आके सीखना सीख सकता है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है? Amazon 1001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. An ISO 9001 and 2008 Certified Institute, Asia Telecom, Advanced Mobile Repairing Institute.
call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description.